फोटोग्राफी क्या वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं। चलान है सीधा 1000-1500 रुपए तक। चाय के लिए कोई समय नहीं होता, लेकिन समय पर चाय चाहिए। जितना तेज हो सकता होगा उतनी जल्दी गाड़ी लगानी है हल्द्वानी। मैं अमित भैया को बोला, मैंने कहा रास्ता ये है ही नहीं। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। नए दिन नई शुरुआत। पहले हम लोग यहाँ पे नैनीताल में यहाँ पे रुके हुए थे फिलहाल एक गेस्ट हाउस में। यहाँ पे मिला हुआ था हम लोगों को डोरमेट्री। तो डोरमेट्री में जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था, जो नए मेंबर्स होंगे उनके लिए बता दूँ कि मैं नैनीताल में हूँ। नैनीताल में हम लोगों ने यहाँ पे गेस्ट हाउस ले रखा है, वहाँ पे एक डोरमेट्री रूम ले रखा था। बाकी अपनी बाइक यहाँ पे पार्क, रात भर से यहाँ पे पार्क कर रखी थी रात के लिए इसको। बाकी अगर कोई नैनीताल में आता है तो भैया के पास आकर जरूर विजिट करें एक बार। बहुत शानदार रूम है भैया के, सर्विस भी बहुत सही है इनकी। गर्म पानी चाहिए होगा, गर्म पानी भी प्रॉपर मिलेगा बिल्कुल, कोई शिकायत का मौका नहीं छोड़ेंगे भैया बिल्कुल। रात में भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, रात में भी आकर सर्विस प्रोवाइड होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल ज़रा सी। तो बस अब बाकी दर्शन का करने के लिए चलते हैं। 7 बजने वाले हो रहे हैं, बस 7 बजे दर्शन खुलेंगे। बाकी एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे नीम करोली बाबा का आश्रम यहीं पे जस्ट हमारे रूम के पास में बिल्कुल। तो बस अब दर्शन के लिए जाएंगे। टाइम हो चुका है 6:45 के आसपास हो चुका है। तो फटाफट से बस पहुँचते हैं और करते हैं दर्शन, कुछ फोटोज़ क्लिक करा लेते हैं। सो हाजी, तो अमित भैया ने ले लिया है प्रसाद, एक मेरा लिया है एक अपना लिया है। तो बस प्रसाद लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। फोटोग्राफी क्या वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, तो यहीं से दर्शन कर लो बस आप लोग भी। सो हाँ जी, तो प्रसाद ले लिया है और चलते हैं वापस रूम पे अपने, और बाइक में सामान सारा बांधते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। ब्रेकफास्ट कुछ करते हैं, देखते हैं हल्का फुल्का कुछ ले लेंगे जो भी खाएंगे। तो बाकी फोटोज़ वगैरह बहुत सही खींच गई हैं, दर्शन बहुत सही हो गए हैं। जय वनी मुकरोली बाबा की, जय बाबा की। ये अपने बाबा बैठे हैं, ये अपने बाबा बैठे हैं। ये मेन मंदिर है बाबा का जो गुम्बद वाला है, और ये अपनी वैष्णो देवी माता है ये वाली, ये अपनी दुर्गा माता है ये बीच में जो है। बाकी ये अपना पूरा व्यू है। सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट कर दूँ यार, बाइक बड़ा इंजन गर्म हो जाएगा भाई, इंजन गर्म होना जरूरी है। भाई जो बीटी होनी होती है ना वो होती ही है। मैं अमित भैया को बोला, मैंने कहा रास्ता ये है ही नहीं। कह रहे नहीं यही है भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना यार, गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। उनकी अभी मई जून में घर वाले आए थे, वो टेम्पो ट्रैवलर से आए थे। टेम्पो ट्रैवलर इस रोड से कैसे चला जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है जाने की। छोटी गाड़ी तो आ भी सकती है एक बार को, ज़बरदस्ती कोई ले आए यहाँ पर, लेकिन बड़ी टेम्पो ट्रैवलर टाइप की गाड़ी तो आएगी नहीं यहाँ पर।
ऑलरेडी टाइम कम है हमारे पास, और 15-20 मिनट वेस्ट हो गई हमारी। चलो कोई नहीं, हम आए थे ऊपर, ऑफ रोडिंग हो गई थोड़ी सी, और क्या। वो ज़्यादा खतरनाक रास्ता है ये, सही कह रहे हो बिल्कुल। पी लिया गर्म पानी। समी से ऊपर देखो फ्लाइंग ओनली बेस्ट क्लास, काला जादू करे कलम मेरी कॉल इट विच क्राफ्ट। कितने गाने लिखे ही नहीं, आई डू फ्री स्टाइल, कितने गाने डाले ही नहीं भरे, कितने पड़े ड्राफ्ट। मुझे सक्सेस के अलावा कुछ भी दिखे ही नहीं, होमीज गॉट मी कवर्ड, पूरी भीड़ उसने रोकी हुई। यू सेंड मी शिट ऑन द इंस्टा, कभी भार मिल, जीत रहा हूँ आज, इससे पहले रही थी हार मिल। जॉइंट बने लौंडे खेरे पैस ऑन मी, बंदी का बिल क्रॉस लैक एंड शी पैस्ड ऑन मी। आई कॉल द मैनेजर एंड कैश करे फ्लो पूरा सटा सट, डील करे क्लोज ऑन द टेबल पैसा सटा सट। किसे दे हक दा मैं पल्ले अपने रख दानी, तेरे कलम च है जोर मैनु लग दानी। समी चोके या मैं तारे आनु छून ले, तारे वांगू फ्लैश मारा तेरे मुंह ते। यहां सब परेशान, कौन किसका ध्यान रखे। टूटे दिल नू साफी कर दे, की फायदा हम प्यारे। 12 साल बुझिया जराइया, हटे तख्त हजारे। हर साल आले याद तेनू करते रहे, कोई साडे वांग करूगा ता पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा ता मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा। छोटा सा लिया है टी ब्रेक, यहाँ पे हल्का फुल्का बिल्कुल लाइट नाश्ता कुछ ले लेंगे यहाँ पे। भाई की भैया तो चाय बना रहे हैं, अपना गरम गरम चाय बन जाएगी। अमित भैया ने अपने लिए पकौड़ी ले ली, मैं तो खाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। बिस्किट वगैरह कुछ ले लूँगा हल्का फुल्का सा, क्योंकि यार राइड के टाइम में ना ज़्यादा हैवी खा लो पर दिक्कत होती है पेट में बहुत ज़्यादा। तो हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है कम्प्लीट, और ब्रेकफास्ट करके बस जस्ट निकल रहे हैं। बाकी अपनी इधर बाइक खड़ी हुई है फुल लोडेड एकदम, बस अमित भैया कर रहे हैं पेमेंट, तो पेमेंट करके बस फटाफट से फिर उसके बाद निकलते हैं और लगाते हैं गाड़ी अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद से जागेश्वर धाम। हाँ जी, तो लिया फिलहाल एक अभी हेलमेट, यार यहाँ पे ना डबल हेलमेट का चलान है सीधा 1500 रुपये तक का। तो इस चक्कर में सोचे ना यार हेलमेट ले लें, ये लोकल शॉप से लेना, गुरु गुरानी की शॉप है यहाँ पे। ये लिया अमित भैया ने हेलमेट, दिखा ना भैया हेलमेट, ये वाला हेलमेट लिया है उन्होंने। तो बस उसके बाद अब लेके निकलते हैं फटाफट से। तो अजी, तो पता चला है कि जस्ट अभी कि यार पोल्यूशन भी तो कराना था यार, पोल्यूशन अब तक तो कराया ही नहीं है एक बार भी, तो जस्ट अभी बस पोल्यूशन ही करा रहे हैं। सामने इन्हीं का ही जो भैया गुरु रानी इन्हीं का ही पोल्यूशन सेंटर भी है इधर ही, तो बस पोल्यूशन कराते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। भाई तो पोल्यूशन का भी 1000 रुपये का चलान है, तो पोल्यूशन भी करा देते हैं। किस तरह मैं
सो हाजी तो पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम मंदिर, और जागेश्वर धाम में दर्शन करते हैं, फिर फटपाके प्रसाद ले लिया है, ये है मंदिर, करते हैं दर्शन। फिर अमित भैया बस आने लग रहे हैं उधर, हाथ हाथ धो के बस। हाजी तो दर्शन कर लिए और दर्शन करके फोटो वोटो खिंचवा लिए हैं, बस अमित भैया अपनी फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, बस फोटो शूट करा के फिर उसके बाद निकलते हैं सीधा हल्द्वानी। जितना तेज हो सकता होगा उतनी जल्दी गाड़ी लगानी है हल्द्वानी, क्योंकि टाइम की है शॉर्टेज बहुत ज़्यादा। कितना टाइम हो गया अमित भैया? 2:20 बज रखी है बस, और फटाफट से फिर उसके बाद लंच करेंगे, लंच करके फिर निकलते हैं सीधा हल्द्वानी। कोशिश करेंगे आज शाम से रात होने से पहले पहले हल्द्वानी लगा दें गाड़ी। सो हाजी तो दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं, ये है जागेश्वर मंदिर। तो बस अब यहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं, यहाँ से यहीं से लिया था प्रसाद और यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया है, बस फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। तो बाकी भाई इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पर, जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पर लेकिन समय की नजाकत को समझते हुए यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेट काफ़ी हो रहा है, नहीं तो फटाफट से खाना खाते हैं और फिर खाना खा के फटाफट खींचते हैं हल्द्वानी, चलते हैं फिर जल्दी जल्दी। हाजी तो जागेश्वर धाम से निकल चुके हैं बाहर, और ठीक है देखो। सो हाजी तो भीमताल में फिलहाल रुके हैं यहाँ पे, और आए हैं खाना खाने के लिए, जल्दबाजी में रूम लिया है बस, बाकी वहाँ जाके रूम दिखाएंगे। बैठे हुए अमित भैया, और यहाँ पे इनकी यहाँ पे किचन छोटी सी एक, तो बस यहाँ पे खाएंगे कुछ खाना, क्योंकि आज सुबह से कुछ नहीं खा रखा, सुबह जरा सी चाय और वो जो जो खाया था सुबह बस वो खा रखा, उसके अलावा कुछ नहीं खाया सुबह से अब तक, बहुत भयंकर लग रही है भूख। फटाफट से स्पेशल थाली मंगाइए, खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से इधर रूम पे। सो हाजी तो खाना आ चुका था अपना, भाई भूख इतनी भयंकर लग रही थी, रुक ही नहीं पाए, तुरंत आते खाना स्टार्ट कर दिया था, बस लीजिए स्पेशल थाली मिक्स वेज पनीर की सब्जी दाल मखनी, बस खाते हैं फटाफट से खाना और पहुँचते हैं रूम, फिर दिखाएंगे आप लोगों को रूम टूर, एक छोटा सा रूम टूर भी दिखाएंगे आज। तो जस्ट अभी अभी यहाँ पे हम लोगों ने पिए चाय साहिबा अमृताले, इनकी भाई ये लाइन बड़ी सेक्सी लगी है मेरे को यार, ये दिल को लग गई लाइन बिल्कुल एकदम। चाय के लिए कोई समय नहीं होता, लेकिन समय पर चाय चाहिए। हम चाय पी, कैसे लगे भाई चाय? एक नंबर। संयम को पिला रखी है चाय वहाँ पे? हैं संयम को पिला रखी है वहाँ पे चाय वहाँ पे? हाँ हाँ, उसको उससे मतलब 3 बार फेल हो गई। ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है, फेल हो गई चाय बिल्कुल, 3 बार फेल, सही बात है बिल्कुल एकदम। रूम ले रखा है भीमताल में, ये है कुछ इस तरीके का अपना रूम, ये है वॉशरूम, वो बाथरूम, ये अपना सब चार्जिंग पे गियर्स वगैरह लगा रखे हैं सब। हल्द्वानी में आप लोगों को एक सरप्राइज है, हो सकता है किसी से हम लोग वहाँ मिले हल्द्वानी में, तो मिलते हैं तो फिर आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताएं कि नैनीताल सीरीज का ये वाला व्लॉग कैसा लगा है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बाकी सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे। फिर उसके बाद मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।